अस्सलाम वालेकुम, मैं असरार अहमद। आज हम जाकिर नगर के मेन मार्केट में पहुंचे हुए हैं। 8 फरवरी को दिल्ली का इलेक्शन है, किसको वोट करेंगे जी? केजरीवाल। केजरीवाल को जी। आपके लिए केजरीवाल सरकार बेहतर है? बेहतर है, बहुत बेहतर है। केजरीवाल को देना। केजरीवाल को जी। केजरीवाल है क्यों? केजरीवाल ने दिल्ली के लिए इतना कुछ किया है, वुमेन्स के लिए इतनी फैसिलिटीज की है, इतना अच्छा किया। बस यात्रा फ्री, उसका फायदा हो रहा है? काफी कुछ हो रहा है वैसे। नहीं, केजरीवाल को ही देना है वोट, और सभी को यही सजेशन दूंगी कि केजरीवाल को ही वोट। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये केजरीवाल ने जो बस यात्रा फ्री कर दी, बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रही है, तो लोगों की आदतें खराब कर दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, सबकी थिंकिंग के ऊपर है वो। कुछ लोग सोच रहे ऐसा, लेकिन वुमेंस के लिए तो अच्छा ही है ना। कुछ मतलब जैसे ये लग रहा हो कि हमारे लिए ऐसा नहीं किया, केजरीवाल ने लेडीज़ को इतनी फैसिलिटीज़ दी है, तो ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो वुमेंस के लिए ही अच्छा है जी। तो मतलब काम पे वोट पड़ेगा कल। और क्या, केजरीवाल क्यों? अब बाकी बिजली फ्री आ रही है, बिजली फ्री आ रही है, सभी कुछ फ्री है, बच्चे फ्री। केजरीवाल इसलिए कि इंडियन पॉलिटिक्स में केजरीवाल ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन पॉलिटिक्स। नई होप है, लोग उससे कुछ नई उम्मीदें हैं। बीजेपी वाले जो गुमराह कर रहे हैं, उनको गुमराह नहीं करना चाहिए, और उनको खुद मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, वो देश संभाले। लेकिन दिल्ली में लोग केजरीवाल को चाहते हैं, तो मैं भी अपील करूंगा कि लोग केजरीवाल को ही वोट दें। थैंक यू। किसको वोट देंगे? केजरीवाल। केजरीवाल जी, बिल्कुल। काम हुआ है? नहीं, काम हुआ है, करा भी है, और वादे भी करे हैं जो उन्होंने करे, चाहे थोड़े करें पर करे हैं। ऐसे नहीं कि झूठ बोला है, जो कहा है वो करके दिखाया है, चाहे लेट आए पर दुरुस्त आए। वादे नहीं, जुमलेबाजी नहीं करी है, जैसे बीजेपी सरकार ने सिर्फ अभी जुमलेबाजी करी है। दो काम इन्होंने ऐसे नहीं है दिल्ली के लिए, कि दिल्ली के आम लोगों के लिए, कि इन्होंने दो काम ऐसे करके दिखाए हों, जो दो काम ये बता दें कि हाँ, हमने आम जनता के लिए फ़ायदा करा दिल्ली के लोगों के लिए। इनके पास दो वादे नहीं हैं, इनके नेताओं से पूछा जाए तो बस जुमलेबाजी, झूठ बोलना, और बस शाहीनबाग। कोई विजन नहीं, कोई विजन नहीं। शाहीनबाग शाहीनबाग कुछ बात कर लो, शाहीनबाग कोई विजन नहीं। नहीं होगा आम आदमी पार्टी को। आम आदमी को? आम आदमी को क्यों? बस काम को, उसके ऊपर काम के ऊपर जी। बीजेपी को लाना नहीं है, किसी भी हालत में लाना। बीजेपी कह रही है कि हमारी 50 सीटें 40 सीटें आएंगी, एक भी आ जाओ गनीमत है। आंटी किसको वोट करेंगी जी? किसको वोट करेंगी? जो हमें फायदे देंगे उसी को वोट देंगे। अरे मतलब किसको देंगी, कोई तो होगा, कोई एक पार्टी? नहीं, इस वक्त तो पता है, हर कोई बोलता है कि केजरीवाल। हम भी उन्हीं के साथ हैं। वोट करेंगे अंकल? जिसको अंदर होगा, जो अच्छा समझेंगे, वैसे तो केजरीवाल को ही देंगे। केजरीवाल को जी। किसको वोट करेंगे? झाड़ू को। झाड़ू को जी। हॉल में पहुंचे हुए हैं, तो वहां भी कुछ लोगों को जानना चाहेंगे किसको वोट करेंगे। किसको वोट करेंगे 8 फरवरी को? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल सपोर्टेड के लिए है वो, जब काम किया है भाई। किसको हम देंगे अब केजरीवाल को वोट? किसको वोट देंगे? केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल। केजरीवाल बस यात्रा से भी फायदा हो रहा है उसका? सबके लिए फायदा हो रहा है। इंशाल्लाह केजरीवाल को देंगे, उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, और आगे भी इंशाल्लाह 5 साल के बाद अगर सरकार आई तो हम केजरीवाल को ही चुनेंगे। तो क्योंकि आपका बिजनेस यहाँ पे कुछ है? मेरी कपड़े की शॉप है। दुकान मतलब बिजनेस चल रहा है अच्छे से? जी अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, और आगे भी इंशाल्लाह चलेगा। और हम ये चाहेंगे 5 साल के बाद इंशाल्लाह बीते और फिर केजरीवाल आए, उसके बाद फिर केजरीवाल आए। क्योंकि कोई नहीं, क्योंकि बलात्कारी पार्टी। एक मिनट क्योंकि हम झूठ के सहारे पे कब तक जिंदा रहेंगे? बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, कांग्रेस ने भी हमें अंधेरे में डाला है, इसलिए हम केजरीवाल को चुनेंगे और इंशाल्लाह वो जीतेगी। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना चाहिए। वो वोट देंगे केजरीवाल। केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? क्यों अच्छा काम कर रहा है वो, इसलिए देंगे। अरे यार, सबसे पहले काम सभी कर रहे हैं, लेकिन वो वोट पे काम पे वोट मांग रहा है, वो काम पे मांग रहा है। उनकी पहली बार ऐसा हो रहा है कि काम पर वोट मांगा जा रहा है। ऐसी बात है, काम पे वोट मांगा जा रहा है यार। वो तो खुद कह रहा है कि काम मैंने करा तो वोट दो, वरना मुझे मत दो। और वो क्या मांग रहे हैं? हिंदू मुस्लिम कोई भी डिबेट उठा लो, संबित पात्रा का, अगर एक में वो हिंदू मुस्लिम, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसके अलावा वो कुछ नहीं करना जानता, ना उसकी औकात है। कुछ करा है उसने? कुछ भी नहीं करा। मोदी को उठा लो, अभी वीडियो दिखाओ, मैं तुम्हें देखो इसमें दिखाओ, अभी वो गटर साफ कर रहा है, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है, स्वच्छ अभियान नाटक कर रहा है, पहले से साफ हुआ पड़ा है वो सारा का सारा, उसमें खाली हाथ मार रहा है। कैमरा देखो भाई, जूम करके
हाथ मार रहा है और कुछ नहीं कर रहा है वो खाना का। दुनिया की जो सबसे बंदे गंदी गालियां है ना वो समीर बाप। क्या करते हो? मेरे अपना हमारी दुकान है और क्या, अपना बिजनेस सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक काम करो, सबसे पहले अभी योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि दिल्ली के स्कूल बेकार स्कूल है। अबे जाके उसमें देखो, यूपी में गोबर उसमें भैंसे बैठी पड़ी है वहाँ के स्कूलों में। वो सर पे उसके बाल नहीं, वो क्या बोलेगा? लेकिन भाजपा वाले कह रहे थे केजरीवाल ने सिर्फ झूठ बोला है। अरे झूठ उनके, एक काम करो तुम गूगल इंडिया का सीईओ, गूगल गूगल का गूगल का सीईओ कौन है इंडिया से ही है ना, उसमें जाके चेक करो गूगल पे कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है। बीजेपी बोलती है सबसे ज्यादा, भले संबित पात्रा वो तो झूठ, अगर एक तरफ सच और झूठ का नाम बदल के संबित पात्रा रख दो, झूठ मत बोलो अब बोलो संबित पात्रा, सच और संबित पात्रा और कुछ नहीं करते। वोट किसको करेंगी? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? क्योंकि वो बेहतर है दिल्ली के लिए। किसको वोट करेंगे आंटी? केजरीवाल। किसको वोट करेंगे? केजरीवाल को। केजरीवाल को। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल एक एजुकेटेड बंदा है, उसने दिल्ली का जो शिक्षा व्यवस्था है या हॉस्पिटल वगैरह है उसने अपने हिसाब से बेहतर किया, इस वजह से जो बेहतर करेगा उसी को ही वोट दिया जाएगा। यहाँ हिंदू और मुसलमान करके कुछ होने को नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान आप ज़िंदगी भर करते रहे तो फिर उसके अलावा भी ज़िंदगी है इंसान की, जो कि शिक्षा और रोज़गार से शुरू होती है। बट और दूसरी पार्टी है वो हिंदू और मुसलमान के ऊपर ही फोकस करती है, शिक्षा और रोज़गार को वो पर्पस नहीं करती है। इसलिए केजरीवाल बेटर है इस टाइम, तो केजरीवाल को ही दिया जाएगा। अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। केजरीवाल। केजरीवाल क्यों भाई? उसने काम किया आम पब्लिक के लिए। देखो स्कूल देख लो, सारे सरकारी स्कूल देख लो, हॉस्पिटल देख लो, आप चाहे तुम बिजली देख लो फ्री आ रही 200 यूनिट। मेरा खुद 6 महीने हो गए, 5 महीने जीरो बिल आ रहा है। जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। किसको करेंगे? केजरीवाल को। केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं सारे, स्कूल हॉस्पिटल, लेडीज़ के लिए बसें फ्री करी उसने, बहुत काम किया है। मतलब ये वोट ना कि यहाँ के विधायक बस फ्री वही फायदा हो रहा है उसका। हाँ फायदा हो रहा है, बस ट्रैवलिंग को फ्री में आना जाना होता है, कोई टिकट नहीं लगता, किराया नहीं लगता, कुछ भी फ्री में सब कुछ। कांग्रेस कह रही है कि हमने ओखला विधानसभा में बहुत सारे काम किए किए होंगे कांग्रेस ने काम, ऐसी बात नहीं है काम नहीं किए, लेकिन केजरीवाल जितना काम जितना केजरीवाल ने किया आज तक शायद किसी ने नहीं किया और न शायद कर पाए। अब कह रहे हैं 600 यूनिट देंगे, 400 यूनिट देंगे, पहले क्यों नहीं दी भाई? पहले भी दे सकते थे, पहले नहीं दी। किसको वोट देंगी? केजरीवाल। केजरीवाल जी, बस इतना ही लीजिए। बस यात्रा फ्री हुई, फायदा हो रहा है उसका जी? बस फ्री हुई, महिलाओं का टिकट नहीं लग रहा है, फायदा हो रहा है? बिल्कुल, वो भी हमारी तरह आम आदमी है ना, तो उन्होंने हमारी फीलिंग्स को समझा है, इसलिए जाहिर सी बात है केजरीवाल। किसको वोट करोगे? केजरीवाल। केजरीवाल। केजरीवाल ही क्यों? केजरीवाल ने काम कराया। बस काम तो क्या है, झाड़ू वाला, तो जो काम करेंगे, जो अच्छा काम करेंगे वो पाएंगे। किसको वोट करेंगे भाई? केजरीवाल को। केजरीवाल जी, पूरे मार्केट में सब केजरीवाल ही वोट दे रहे हैं जी, ऐसा क्यों भाई? उसके काम जो सुविधा उन्होंने करी है, आजकल स्कूल बनवाए सरकारी, और जो वैसे परसेंटेज बहुत लो थी सरकारी स्कूलों की, वो आई एस है आज इसकी वजह से, और जगह जगह सुविधा करी है उसने, वो भी रोड वगैरह। ये आपके बिजली बिल जीरो आ रहे हैं? बिल्कुल जी। पानी मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ मिल रहा है हमें केजरीवाल सरकार में, सब मिल रहा है जी। मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे खुला कि नहीं? जी खुला हुआ है मेरे घर के पास मोहल्ला क्लिनिक है। आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? बिल्कुल आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस को क्यों नहीं देंगे? नहीं वो कुछ काम नहीं कराती हमारे लिए, हमारे लिए कोई कांग्रेस कोई बीजेपी कोई भी पार्टी हमारे लिए अच्छी नहीं, सिवाय केजरीवाल आम आदमी पार्टी के। मैं बहुत खुश हूँ आम आदमी पार्टी। आम आदमी क्यों जी? अच्छा है, स्वस्थ है, चिकित्सा है, सब चीज़ है। लेकिन दूसरी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया। नहीं नहीं ये झूठ बोला जा रहा है, विपक्ष तो झूठ बोलेगा ना, काम तो जनता बताएगी कि काम कहाँ हुआ है कहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ सड़क, पानी, सीसीटीवी कैमरे, मोहल्ला क्लिनिक और क्या चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे हो गए हैं। तो मेरा वोट काम को, काम को। मोहल्ला क्लिनिक में आप गए थे कभी इलाज? हाँ मैं गया हूँ, मैं अपनी खूब दवाइयाँ लेकर आया हूँ, फ्री है सब इलाज, फ्री दवाई, फ्री टेस्ट, फ्री और क्या चाहिए। एक आम पब्लिक को चाहिए क्या होता है, यही होता है ना कि आम लोगों को कि हमें रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ है वो हमारी पूरी हो जाए। और पार्टियों को तो पता ही नहीं है, सिवाय घोटाले और अपने पास जो भी है माल आ जाए, बस जनता भाड़ में जाए।
इलेक्शन के टाइम पे याद रखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। अब ये है तो शुरू से और आखिर तक बराबर चला है सबको अपने साथ, आम आदमी उसने मतभेद नहीं रखा केजरीवाल ने। बराबर बिजली बिल आपके जीरो आ रहे हैं? 10 रुपये आ रहे हैं जी मेरे तो, पिछले 3 महीने से 10 रुपये, सिर्फ 10 रुपये, और दूसरे फ्लैट का जो है वो जीरो है। बिल्कुल। और एजुकेशन में काम हुआ इधर? हाँ बराबर हो रहा है, एजुकेशन में भी हो रहा है। हमारे यहाँ देखो, यहाँ सामने अभी लाल स्कूल है, वो पूरा तैयार हो रही है बिल्डिंग, तकरीबन 2-4 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगी। नई बिल्डिंग बन रही है? नई बिल्डिंग बन रही है। और तुम्हें मालूम भी होगा कि 20,000 क्लासरूम केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बनाए हैं। पानी फ्री मिल रहा है? बिल्कुल फ्री है, 20,000 लीटर पानी बिल्कुल फ्री है। और चाहिए क्या पब्लिक को? पानी, बिजली, हॉस्पिटल, ये चाहिए होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने ओखला विधानसभा में बहुत सारे काम किए थे। नहीं कुछ ना, काम बताओ आप कहाँ किए काम? कोई काम नहीं है ना कांग्रेस का। नहीं, आप हमके समर्थक हैं वो कह रहे हैं, जो भी है वो मेरे सामने आए, एक भी काम उनका गिनवाए अभी तक की 5 साल की सरकार में केजरीवाल ने जो काम किया है वो आज तक की कोई सरकार ने काम नहीं किया। और मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने भी साल ये हमारे साथ जुड़ के काम करेगी, हम इसके साथ हैं और हमेशा हम इसके साथ रहेंगे। ये बहुत अच्छा काम करा रही, शिक्षा पे इसने काम किया, स्कूलों के सभी तरीके की समस्या इसने सुधार दी है, और जी हमारे हॉस्पिटलों की सभी समस्याओं को इसने सुधार दिया है, और भी जितनी हमारी समस्याएं थी सबके समाधान इसके पास है। तो हम ऐसी सरकार के साथ हैं और रहेंगे हमेशा। देखिए आप देख सकते हैं कि मार्केट में भी हम लोग घूम रहे हैं, तो सबका ओपिनियन यही है कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि हर स्तर पे आम आदमी पार्टी ने काम किया है। 8 फरवरी को वोटिंग है ओखला में, दिल्ली में, तो किसको वोट करेंगे भाई? काम के हिसाब से देखते हुए और जिस तरह से तरक्की किया है इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी मेरा उम्मीदवार है। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया है दूसरी पार्टियों की तरफ से। भाई दूसरी पार्टी तो हमेशा यही बोलती है, ये तो हमेशा से ही होता रहा है, चाहे कांग्रेस भी यही बोलेगी कि आम आदमी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी भी यही कहेगी कि आम आदमी ने कुछ नहीं किया है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आम आदमी पार्टी भी शायद ऐसा ही बोलती, लेकिन ओवरऑल पब्लिक का भी रिव्यू ऐसा ही है और सब लोग देख रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया है। एजुकेशन में काम हुआ है? बिल्कुल काम हुआ है, स्कूल में बहुत डेवलप हो गए हैं, हॉस्पिटल में काम हुआ है, और मोहल्ला क्लिनिक खुली है इधर? हाँ मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ पे, खुला मोहल्ला क्लिनिक, और भी जगह पे भी मोहल्ला क्लिनिक है। सड़कों में थोड़ा काम होने का भी है जो कि कम हुआ है। आम आदमी को करेंगे ना? आम आदमी को? हाँ। आप? आम आदमी। आम आदमी को क्यों भाई? विकास अच्छा किया केजरीवाल ने, जो विकास पार्टी करेगी उसको हम वोट देंगे, और केजरीवाल का हक बनता है वोट देने का। किसको वोट करेंगे 8 फरवरी को? आम आदमी पार्टी। आम आदमी क्यों? काम अच्छे करें आम आदमी पार्टी ने। आपके बिजली बिल जीरो आ रहे हैं? जी जी जीरो आ रहा है। पानी मिल रहा है? पानी उन्नी सब चीज़ फ्री मिल रही है, बहुत बढ़िया है जी। बताइए किसको वोट करेंगे? वोट करेंगे जी आम आदमी पार्टी को, वो इसलिए क्योंकि केजरीवाल ने जो है आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि स्कूलों का अच्छा काम करा उसने, हमने ऐसी सरकार ही नहीं देखी जिंदगी में, 60 साल की उम्र हो गई, उसने स्कूलों में अच्छा काम करा और जो है शिक्षाओं में अच्छा काम करा, और बसों के अंदर भी देखो किराए फ्री कर दिया, जीरो बैलेंस आ रहे हैं बिजली के भी, और ऐसा हमने मुख्यमंत्री अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, मतलब ये करता है, मतलब आपकी बिजली जीरो आ रही है? जीरो आ रहा है हमारा बिल भी, और हमने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा अपनी ज़िंदगी के अंदर के इतने मतलब ऐसे काम हो गए हों, वरना सब लूटने बैठने वाले सरकार आती है। देखो कांग्रेस ने भी थोड़ा बहुत बेहतर करा था, सड़कें वड़कें अच्छी बनाई थी उसने, बसें आ गई थी, लेकिन बीजेपी तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, शाहीन बाग, बटन दबाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनके अलावा कोई मुद्दे ही नहीं उनके पास। इसके पास मुद्दे हैं केजरीवाल के पास, शिक्षा का मुद्दा है, पढ़ाई लिखाई का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, अस्पतालों का मुद्दा है, दवाइयाँ जाओ तो बिल्कुल पैकिंग में दवाइयाँ मिलती फ्री, मतलब पहले नहीं था इतना साफ सुथरा था आपका। केजरीवाल ही जीतने भाई साहब कुछ भी जी। तो आप देख सकते हैं कि हम अभी ओखला विधानसभा में थे, तो जितने लोगों से पूछा सबने कहा केजरीवाल, सिर्फ केजरीवाल का नाम आ रहा है। 8 फरवरी को केजरीवाल के नाम पे वोट पड़ेगा, झाड़ू पे सिर्फ वोट पड़ेगा, और किसी दूसरी पार्टी का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, सिर्फ केजरीवाल, केजरीवाल को लोग वोट। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, ताज़ा तरीन खबरों और मजामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।